Bom, até de ler na lente. पहुंचे हैं बिल्कुल तमोरा के खिलाड़ी और तमोरा के टीम में तमोरा बजा रहे हैं बिल्कुल 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 कह सकते हैं कि क्या बात है। अरे वाह, एक के साथ तीन। चलिए चलिए, बेहद खेल रहे हैं वो, जो बहुत सुपर रेडर कहलाते हैं, बट ये पॉइंट ही लेके जाते हैं। देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं, बट बस लेके जी बहुत अच्छा गड़ा प्लेयर है, बट प्रारंभ चलिएगा चलिएगा। फिर से जर्सी नंबर 11 में आए हैं खिलाड़ी तमोरा के ओर से, खुड़िया डीह के मैदान पर। चलिएगा फिर से, बेहद ही थाकड़ मुकाबला, बेहद रोमांचक मुकाबला, सेमीफाइनल का प्रथम मुकाबला, बिल्कुल दो टच का बिल्कुल भरसक प्रयास। सब जर्सी नंबर 10 हो गए हैं पास, क्या बात है। बिल्कुल खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए बिल्कुल एक अंक के साथ खाता खोला है तमोरा की टीम ने, क्या बात है। चलिएगा बिल्कुल जर्सी नंबर 9 अंग्रेजी वाला भैया, बिल्कुल बिल्कुल डिफेंडर का एक पैर संभवता बिल्कुल मिड लाइन के क्रॉस हो गया है, तो यदि डिफेंडर भी मिड लाइन को क्रॉस कर लेगा तो रेडर सुरक्षित माना जाएगा। यह कबड्डी का बेहद सुंदर नियम है। और जर्सी नंबर तीन बिल्कुल कैसा भैया, जर्सी नंबर 3 अपने फुर्तीले के अंदाज में, देखते हैं अपने क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। वही अपने डिफेंडर की टीम के से, चलिए कसमें वादे, क्या है तेरे इरादे, क्या गजब जर्सी नंबर 9 बिल्कुल सर के गिर के दर रामा देख के गोंदा फूल। इस प्रकार की प्रक्रिया है हमारे खिलाड़ी बंधु खुड़िया डी की ओर से। और आइए फिर से हम पहुंच गए हैं बिल्कुल तमोरा के मैदान पर, तमोरा वाले बिल्कुल तमोरा पकड़ कर बैठे हैं। और देखना होगा डिफेंडर किस प्रकार से डिफेंड करते हैं, और क्या गजब का एक अंक का दावा बोर्ड के सामने से, कृपया हटाएं कुछ बिल्कुल। और हमारे इस खेल प्रतिस्पर्धा का यूट्यूब में सीधा प्रसारण रोशनपुरा के भाई दीपक की तरफ से हो रहा है, तो बिल्कुल सीधा प्रसारण देखने के लिए छत्तीसगढ़ के ओना कोना से हमारे खेल प्रेमी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल लिंक साझा करिएगा और गेम का मजा लीजिएगा। हमारे नेनागन कृपया निर्णायक बोर्ड से कुछ लोगन हटाएं, जहां तक कि अपने ऑफिशियल को दिख सके कि स्कोर क्या है। माननीय श्री गुलाब नागेश जी, चलिएगा फिर से जर्सी नंबर 9 और इसके जवाब में जर्सी नंबर 11 बिल्कुल तमोरा के ओर से 2.5 के मुकाबले में बिल्कुल मातृभूमि को नमन करते हुए, अपने इष्ट देव को नमन करते हुए 2.5 करो या मरो के मुकाबले में बिल्कुल 2 टच का प्रयास, बिल्कुल राइट कॉर्नर का शानदार प्रयास, लेकिन अपने साथ बहुत अच्छी रिकॉर्ड को भी अपने पाले में लेकर चले गए हैं, क्या गजब का रेड कहा जाएगा। ऑफिशियली ना करेंगे आप बिल्कुल, एक एंकर की भूमिका होती है जो किसी टीम की सोच को सपोर्ट ना करके खिलाड़ी नंबर 1 जो रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी लग रहे हैं वहाँ पे, जो एज अ रनिंग कर रहे हैं अभी वहाँ पे, एज अ लॉन्ग ऑफ पे कर रहे हैं अभी, एज अ राइट बहुत अच्छी जगह कहा जाए यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह कैसे कर दो तूने मोरे तू करते भाई खिलाड़ी कहना चाहूंगा बहुत डिफरेंट, बट उतनी अच्छी रेड, उतनी अच्छी रेड हमारे रेड जर्सी पे भैया कर रहे हैं, ऐसा रनिंग पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी जर्सी नंबर 11 पे ऐसा रेड चड्डी में दिख रहे हैं अपने हमारे बड़े भैया, खाली हाथ जाएंगे। जर्सी नंबर 3 गए हैं, 9 गए हैं यहाँ पे, बहुत खाली से वापस होना पड़ेगा यहाँ पे हमारे बड़े भैया। चलिएगा
बिल्कुल जर्सी नंबर 11 की ओर से वापस शुरू करते हैं हमारी प्रो कबड्डी की कहानी। क्या कहते हैं भैया, कैसा भैया की जुबानी। हमारी टीम जा रही है, क्या कहते हैं आप वो बताइए। जर्सी नंबर 11 में हमारे भाई जो खेल रहे हैं, रेड जर्सी में खेल रहे हैं भैया। सुपर रेड कहा जाए यहाँ पे, सुपर रेड तो नहीं हुआ लेकिन दो अंक मिल गए। बेहद ही स्पीडी रेडर है, अपने गति के हिसाब से खेल को आगे बढ़ाते हैं। गति गति बहान का प्रयोग वही ही हमारे नीली जर्सी में नौ नंबर के जर्सी। एक एडवांस टैकल किया और सफल रहे हैं, और फिर से जर्सी नंबर 11 के खिलाड़ी बिल्कुल खुड़ियाडीह के मैदान पर तरिया पारा खुड़ियाडीह के प्रतिभागी गजब का खेल दिखा रहे हैं। क्या गजब का खिलाड़ी है, और बिल्कुल सुपर टैकल का सिचुएशन है। एक के बजाय दो अंक मिल सकते हैं यदि इस खिलाड़ी को पकड़े हैं। कैसा भैया, क्या कहना चाहेंगे आप। जैसे जो हमारे उम्र खिलाड़ी रेड करते हैं, हमारे बड़ी हुई है ऐसा टो टेस्ट मारने की कोशिश, बस खाली यहाँ से वापस आती हुई। चलो हमारे तीन नंबर पे लाल जर्सी भैया, बिल्कुल तीन नंबर के जर्सी माँ खुड़ियाडीह के मैदान में आ पहुंचे हैं। बिल्कुल तमोरा के खिलाड़ी और तमोरा के टीम माँ तमोरा बजा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तमोरा के टीम के तमोरा बजा रहे हैं, और सुपर टैकल बिल्कुल एक के बजाय दो अंक मिल गए खुड़ियाडीह के टीम ला, और खुड़ियाडीह के टीम के दान ले जर्सी नंबर 1 केशव 5। चलिए हम सपोर्टिंग करते हैं हमारे जर्सी नंबर भैया, बच्चों बहुत उम्दा खिलाड़ी है। अब रनिंग टोटस मारने की कोशिश करेंगे, अभी हम वन डाउन खेल रहे हैं, ऐसा लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं अभी, बट ये ऐसा रनिंग मार रहे हैं अभी। चलिए अब इस बार जर्सी नंबर 11 खुड़ियाडीह के मैदान में और बिना कोई अंक लेके वापिस हमारे जर्सी नंबर 17 जाते भैया, और बहुत खतरे है भैया। तो अब दोनों के बीच में किस टाइप से कौन सा मुकाबला लड़ते हो, किस टाइप से अपना रेड डालते हो, किस टाइप से अपना डिफेंस डालते हो, और आइएगा मध्यांतर के पश्चात जर्सी नंबर 17 जो है टीम के लिए खतरा देखना होगा खुड़ियाडीह के मैदान पर। बिल्कुल खुड़ियाडीह के खिलाड़ी आए हैं, आहा क्या बात है, रनिंग किक लगाने का प्रयास किया है जर्सी नंबर 17। बिल्कुल तमोरा के टीम के लिए जो बन सकते हैं खतरा, क्या बात है, लेकिन बिना कोई अंक के वापिस। इसके जवाब में जर्सी नंबर 11 तमोरा के टीम के लिए उनके लाज बचाने के लिए उनके 11 को बचाए हुए हैं जर्सी नंबर 11, क्या बात है। जर्सी नंबर 11 वाले खिलाड़ी गए हैं खुड़ियाडीह के मैदान पर, केवल 4 खिलाड़ी मौजूद हैं, और वही अपना बैलेंस बिगाड़ कर बिल्कुल फिसल गए थे, लेकिन फिर से अपने ताजबाज और परिस्थिति को संभाला है, और इसी के साथ अपने टीम के संतुलन को भी बनाए रखा है, और समय में कुछ छूट मांगी है। लेकिन यह समझने की बात है, समय 6-4 बेहद ही कांटे का टक्कर तमोरा के पक्ष में, और इस पक्ष को पक्षांतरित अपने पक्ष में करने के लिए केवल जर्सी नंबर 1 में खिलाड़ी आए हैं, क्या बात है। बिल्कुल तमोरा के टीम को बिल्कुल हिलाने के लिए, बिल्कुल दबदबा बनाने के लिए खुड़ियाडीह के खिलाड़ी, क्या बात है, बोनस के लिए ट्राई कर रहे हैं, हैंड टच के भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बोनस भी मिल सकता है इनको, क्या बात है। देखते हैं सिन्हा जी जर्सी नंबर 1 क्या कर पाता है, टीम के लिए बस खाली हाथ जाना पड़ेगा। जी हाँ, कबड्डी में खाली हाथ जाने का एक औचित्य है, लेकिन हमारे जर्सी नंबर 11 भी खाली हाथ हो चुके हैं, मतलब समझ रहे हैं कि हम अपन डू ऑर डाई लेना चाहते हैं।
अब डू और डाई लेना चाहते हैं उसके लिए अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपका मेहनत सामने दिखेगा कि कितना प्रैक्टिस किए हैं, कितना क्या किए हैं आप, आपको टीम के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। जी बहुत अच्छी रेड रही है, अब रेड आप दिखाना चाहते हैं जर्सी नंबर 11। ये डू और डाई थी, बिल्कुल उठा कर पटक दिया था, लेकिन उनके पास भी कोई खास मौका नहीं था। और चलिए जर्सी नंबर 11 फिर से खिलाड़ियों के बीच करो या मरो का मुकाबला, और इसमें बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि क्या बात है, अरे वाह, एक के बाद तीन और तीन दुनी छह, क्या बात है, आधा दर्जन अंक। मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस टीम का चीयर अप करूं। बिल्कुल तैयार रहेंगे, समय को देखते हुए, मध्य रात्रि का समय, ठंडी के मौसम को देखते हुए जल्दी से तैयार रहेंगे। कटेल पारा वर्सेस पथरी, क्या बात है, अगली रेड जा रही है। चलिए चलिए बेहद बहुत ही सुंदर डिफेंस, बहुत ही दुपर सुंदर डिफेंस। चलिए 11, चल बेटा जीत कर विजय श्री के प्यारा, क्या बात है, खिताबी मुकाबले के लिए एक कदम और बढ़ाती हुई इस समय तमोरा की टीम 13-4 की स्थिति में बेहद ही भाकड़ बढ़त कही जाएगी, 9 अंक की बढ़त, और इस समय अपने आप को बेहद पिछड़ी हुई पस्त महसूस कर रही है खुड़िया ढी की टीम। क्या करें साहू जी, कर पाएंगे या फिर हमारी लीड कर पाएगी, तेरी मर जाती सला बदल दे, ये टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग क्या पता सुपर रेट कर ले यहाँ पे, अब क्या बोलते हैं, इनका सुपर रेट से भी कोई काम बनने वाला नहीं है, एक मल्टी पॉइंट रेड करना होगा, 7-8 पॉइंट लाना होगा, तभी इनके लिए कुछ आगे का रास्ता सुरक्षित हो पाएगा। सामने खेल रहे हैं वो जो बहुत सुपर रेडर कहलाते हैं, बट ये इन जो भावना के बहते जो हमारे रेडर बह गए हैं। चलो जर्सी नंबर 3, क्या बात है, मैदान पे जा गए हैं खोड़िया ढील के, कितने गजब के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल खेल के प्रारंभिक क्षणों से अब तक तमोरा की टीम ने अपना दबदबा बना के रखा है, और गजब के खिलाड़ी हैं। फिर से जर्सी नंबर 17 हो जाएंगे क्या, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है ये, इनका सुपर रिकॉर्ड है, जहाँ भी जाते हैं सुपर पॉइंट ही लेके जाते हैं, देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं, बट घरा के दबाव में आते हुए अभी थरा के भैया, बिल्कुल जर्सी नंबर 11 की खिलाड़ी फिर से जा पहुंचे हैं खुड़िया डी के मैदान में, और खुड़िया डी वाला मन स्पष्ट लगा था या मतलब खुड़िया डी, लेना कैसा भैया रिसा कैसा, नहीं भैया नहीं रिसा, हमें खुड़िया डी की टीम में हमारे छोटे मोटे समर्थक का उसने तलाकर ये 300 के बराबर है, काबू से स्पार्टन समझे तो स्पार्टन, ये 300 के रेड मार सका थे अभी भैया, अब उनका आप मना अभी तक 300 सुपर रेड मारी भी देखा तो हमारे जर्सी नंबर भैया हाँ 4 नंबर है, जर्सी नंबर 4 भैया सुपर रेड मार के कब बहुत जोर से कोशिश, बट अपना कोशिश नहीं करना है, बस सुपर रेड में सिंगल पॉइंट ले लो बस, एक को रेड नहीं सर, हमारा हमारा टीम हमारा गढ़ हमारा छत्तीसगढ़ जिंदाबाद, का बोल सो ताई मां तारी मान छत्तीसगढ़िया कोरिया डी नाम से कला से गड़िया गड़िया बढ़िया, क्या बात देखते ना हमारा, अब देखते ना हमारा उमदा खिलाड़ी मतलब सुपर रेड में देखो मना डू और डाई, छोटा नवीन खुड़िया डी की ओर से, और बिल्कुल एक अंक लेकर अपने मैदान पर वापिस होते हुए। चलिए का वो तो साउथर जर्सी नंबर 3 कौके बोरा हो जाता है, कहा माइक माइक में गोचक लग जाता है सर, लिटिल पैक मारे के बाद ना भैया सब चीज हो जाता है यार, क्या बोल दे, और लिटिल पैक अलग बात है, हमने मोर ट्रॉफी नहीं खाते वो पैक तो तरिया पार में जाए सर,
बस हमार उम्दा खिलाड़ी जब आगुम दिख गए ना तो का लिटिल पे का हमार ट्रॉफी बड़े बड़े ट्रॉफी जीत के बैठे हमारे प्लेयर है। चलो आपके प्लेयर फिर से मैदान में आ चुके हैं, जर्सी नंबर 9 एक बार में बस सीधा बोलो तो एक पॉइंट मोहब्बत से लेके जाइए, बहुत तगड़ा प्लेयर है बट हमन तो अभी तक ककच ने लबरा है कहते हैं भैया खड़ो लबरा हो गए आजकल एक पॉइंट लेके जाइए कि सब आउट कर लोगे भैया का नाम ले गिरा भैया पहली तो ककक राज जल्दी से भैया का राज घलो जाने वाले हैं देखे लाख और भैया का निपटने से वाला है परंतु ना यहाँ पे इनाम के बोल छा नहीं होते अभी तक के ना कोई भी अपन प्लेयर दर्शक दर्शक बंधु मन अपन इनाम के ना बोछा नहीं कर रहे तेकर से ना खिलाड़ी मन के ना उत्सुकता के ना कम हो गई इनाम लगे ना तो फिर उत्सुकता बढ़ी।